अगर आप भी न्यू ईयर पार्टी के लिए केक बनाने की सोच रहे हैं और घर में रखे हुए कुछ ही इंग्रेडिएंट से केक बनाने चाह रहे हैं तो इस रेसिपी को एक बार देख लीजिए। आज माया किचन में बन रहा है पाइनएप्पल केक कुछ ही इंग्रेडिएंट से। चलिए इसकी रेसिपी देख लेते हैं। इसके लिए सबसे पहले मैं एक कप मैदा ले रही हूँ। मैदे की जगह आप आटे का भी यूज़ कर सकते हैं और मेज़रमेंट के लिए एक ही बाउल रखें, बार बार चेंज ना करें, चाहे वो आप कप लें चाहे बाउल लें। उसी बाउल से मैंने 1/3 कप दही ले लिए। दही खट्टा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल फ्रेश होना चाहिए। और 1/2 कप मिल्क ले रही हूँ। अब हम पहले इन तीनों इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर देते हैं। मिक्स आप इस तरह से करें जैसे कट एंड फोल्ड। देखिए जब ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाए तब मैं इसमें 1/8 टीस्पून बेकिंग सोडा डालूंगी। बेकिंग सोडा जो नॉर्मल हम घर में यूज़ करते हैं, और 1 टीस्पून मैं इसमें बेकिंग पाउडर ऐड कर दूंगी। देखिए पर इसको ऊपर तक नहीं भरना हो, जैसे इसको फ्लैट कर दीजिए और इस तरह से भरिए। अब उसी बाउल से मैं इसमें 1/3 बाउल मलाई का डाल रही हूँ। मलाई भी बिल्कुल फ्रेश होनी चाहिए, रखी हुई नहीं होनी चाहिए। अब इसे भी मिक्स कर लेंगे। अब इसी बाउल से मैं 1/2 बाउल पिसी हुई शुगर ऐड कर रही हूँ और 2 टेबल स्पून मैं इसमें मिल्क पाउडर ऐड कर रही हूँ। अब इन सबको भी हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये थोड़ा सा गाढ़ा लग रहा था तो मैं इसमें थोड़ा सा और मिल्क ऐड कर रही हूँ। अगर थोड़ी इसकी कंसिस्टेंसी थिक लगे तो हम बीच बीच में थोड़ा सा मिल्क ऐड कर सकते हैं। अब इन्हें भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे जैसे इसमें कोई लम्स ना पड़े। अब मैं इसमें 4-5 बूंदें पाइनएप्पल इमल्शन की डाल दूंगी। इसमें कलर और एसेंस दोनों मिक्स रहते हैं। अगर ये ना हो तो आप अलग अलग भी डाल सकते हैं। इन सबको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। देखिए इसकी कंसिस्टेंसी इस तरह से रिबन जैसी होनी चाहिए। मैंने दूसरी तरफ ओवन को प्री हीट करने के लिए रख दिया है। कम से कम 5 से 10 मिनट उसे प्री हीट कर लीजिए। चाहे आप कढ़ाई में बना रहे हो उसे भी प्री हीट कर लीजिए। अब एक कंटेनर ले लूँगी, उसे ग्रीस कर लूँगी। अब उसमें ये बैटर हम डाल देंगे। देखिए बैटर को डालने के बाद उसे थोड़ा सा टैप कर देंगे ताकि ये बिल्कुल एक सा हो जाए और इसमें एयर बबल्स न बने। अब इस तरह से टैप करने के बाद मैं इसे ओवन में 180 डिग्री पे 25 मिनट के लिए रख दूँगी। फिर इसे चेक कर लेंगे। इसमें से अगर वुडन स्टिक बिल्कुल निकल जाती है, जिप जिप नहीं होती है, तो हम इसे बाहर निकाल के 10 मिनट के लिए रख देंगे। जब ये पूरी तरह से ठंडा हो जाएगा तो हम इसे कट कर लेंगे। मैं सेंटर से इसे काट के दिखा रही हूँ ये कितना सॉफ्ट बन चुका है। इसकी आइसिंग करके आप केक या पेस्ट्रीज की तरह कट भी कर सकते हैं।